Brought to you by Howzat. Download the app now. सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, हमें आपको पूरे मुल्क को पूरे क्रिकेट जगत को दुख होगा, लेकिन एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है जिन्होंने उनको अपना बेटा कहा है। और लता जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीदी, लेकिन सचिन का क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहना आपके लिए तो एक पर्सनल सेटबैक होगा। मुझे बहुत दुख है, बहुत 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 ज्यादा दुख है कि सचिन ने आज क्रिकेट छोड़ा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो सोचेंगे छोड़ने का। मेरे ख्याल से बीच में उनको कुछ लोगों ने तंग भी किया कि अब छोड़ना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। टीवी पे भी आता रहा, पेपर्स में भी आता रहा। शायद हो सकता है कि एक उनका एक आर्टिस्ट का मन है। आर्टिस्ट सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, एक क्रिकेटर भी हो सकता है। तो वो जो एक उनका मन है वो दुखी हो गया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि चलो जाने दो, छोड़ ही देते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है, पर मुझे बहुत दुख हुआ। और ख़ास तौर पे आज उनका क्रिकेट देख के मुझे ऐसा लगा कि सचिन और एक साल बहुत आराम से और बहुत अच्छा खेल सकते थे। आपने टेलीविजन पर मैच देखा, क्योंकि उनकी माँ वहाँ थी मैदान में और आपको वो माँ का दर्जा देते हैं, आप टेलीविजन पर देख रही थी। मैंने उनको भी देखा, उनकी पत्नी को भी देखा, बच्चों को भी देखा। और हालांकि सचिन हंस रहे थे, बात कर रहे थे, खेल रहे थे, फिर भी मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उनकी शक्ल पे एक विदा होने का एक दुख मुझे नजर आ रहा था, या हो सकता है मुझे लगा हो उसे। तो मुझे बहुत, मैं बहुत दुखी हो गई थी और मैं चुपचाप बैठी रही, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो खेल रहे थे, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। हम लोग और जो फैंस हैं वो तो एक सचिन जब मैदान पर उतरते हैं 100 की बात करते हैं कि सचिन शतक बनाएंगे बनाएंगे, और 74 रन तक पहुंच गए थे दीदी। वो उस वक्त आपको भी लग रहा होगा कि शायद फेरी टेल एंडिंग लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था कि आज सचिन जरूर 100 बनाएंगे। और मैंने साईं बाबा को प्रार्थना की उस वक्त कि साईं बाबा आपको भी वो बहुत मानते हैं, तो उनके 100 तो होने ही दीजिए, हो तो 200 हो पर 100 तो कम से कम होने दो। पर नहीं हुआ, वक्त वक्त की बात है। और बड़ा भावुक पल था जब वो मैदान से जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर किया और दर्शकों को ऐसे किया। आपने भी देखा होगा, आपको भी सब देखा, बिल्कुल सब देखा। और उनके जाने के बाद मैं उठ के चली गई यहाँ से, तब तक मैं देख रही थी। बाद में फिर मुझे देखने का मन नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रिकेट इसके बाद नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्रिकेट में और भी लोग बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली बहुत अच्छा है, शर्मा बहुत अच्छा है, और बहुत लकी और अच्छा प्लेयर धोनी है मेरी नज़र में, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब हमारे यहाँ क्रिकेटर नहीं है ऐसा नहीं है, पर सचिन के लिए एक अलग अंदर भावना थी कि सचिन जैसे एक लता जी वैसे एक सचिन। नहीं नहीं, लता जी कुछ नहीं है। नहीं लता जी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है। किसी ने सही कहा है कि 20वीं सदी को जब हम याद करेंगे आज से 200 साल बाद, तो इंडिया की चार चीजें याद आएंगी: भारत आजाद हुआ, महात्मा गांधी का असैसिनेशन, और लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का उस साल उस सदी में पैदा होना। मालूम नहीं उसके बाद क्या होगा, हम तो देखने के लिए नहीं होंगे, पर हो सकता है। सचिन में आपको सबसे खास चीज क्या लगी? हम तो उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं, लेकिन आप तो उनकी शख्सियत को जानते हैं। सचिन बहुत शरीफ इंसान है, बहुत ही दिल खोल के मतलब बात करता है, पर कई बार तबा मैंने देखा कि शर्मा जाते हैं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि मालूम नहीं इनका दिमाग खराब है, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत शर्मीला इंसान है, और कभी मैंने उनको लड़ते हुए नहीं देखा। कई मर्तबा उनको गलत आउट दिया गया है, कई मर्तबा, बल्कि कलकत्ता में भी उनका आउट, वो आउट नहीं थे,
पर फिर भी उन्होंने एक मिनट के लिए भी रुके नहीं, वो बैट अपने हाथ में लेके सीधा चले गए। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं गलत हूं, मतलब उनको पता था कि मैं आउट नहीं था, पर उन्होंने देखा कि जो कहा है अंपायर ने वो ठीक है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात है लता जी, आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है वो अपने साथ लेकर जाता है, सचिन तेंदुलकर अपने साथ लेकर जाते हैं, और कई बार क्रिकेटर्स का खेल आप अपने साथ रखती हैं, सुख दुख जो है क्रिकेट के खेल से भी आता है। ये इतने उम्र का फासला होने के बावजूद, इतनी उम्र का फासला होने के बावजूद आप सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान का भारत रत्न मानती? बिल्कुल मानती हूँ, क्यों नहीं। इंसान ने जो काम किया है उसके लिए उम्र का फासला कुछ नहीं होता है। बहुत छोटी उम्र में बहुत लोग बहुत कुछ बड़ा काम करते हैं, वैसे सचिन ने बहुत छोटी उम्र में आज दुनिया को हिला दिया है, इतना बड़ा काम किया है और इतना बड़ा क्रिकेटर वो बना है, तो कुछ तो बात है ना। तो भारत रत्न के लिए आप ये सोचें कि आदमी 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए तभी उसको भारत रत्न दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि उसका काम क्या है। आपके बाद उनको मिलना चाहिए? मेरे बाद नहीं, मतलब उनको मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद हमारी सरकार ये सोच भी रही हो। लता जी आखिरी सवाल ये है कि कुछ एक दो पंक्ति आपको याद आए जाते जाते सचिन के बारे में, आप कुछ कहना चाहें कि सचिन क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, हमारे दिल में कैसे रहे? सचिन क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं ये मैं मानती नहीं हूँ, क्रिकेट उनके साथ रहेगा हमेशा और सचिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ सचिन को ये कहना चाहूँगी कि वो एकेडमी खोले और क्रिकेट पे मतलब बच्चों को सिखाए, और जो वो खेलते हैं वो खेल सिखाए और सचिन तैयार करें। उनका अपना बेटा अर्जुन वो भी तैयार हो रहा है? बस तो वो हो रहा है, ऐसे और भी वो तैयार करें तो वो बहुत बड़ा काम करेंगे।